अल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या औरत या हमारी दीनी बहनें 11वीं शरीफ की फातिहा दे सकती हैं या नहीं। क्या औरतें हुजूर गौसे आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से नियाज दे सकती हैं या नहीं। प्यारे दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि देहाती इलाकों में यह हमारे कुछ भाई लाइलम की बुनियाद पर कह देते हैं कि औरतों का फातिहा देना सही नहीं है। यदि औरतें फातिहा देंगी तो यह कबूल नहीं होगी। यदि फातिहा दे ही दी, फिर साहब या आलिम साहब या किसी मर्द से दोबारा फातिहा दिलवाना होगा। प्यारे दोस्तों, हमारे मुआशरे में जो यह गलत बात फैली हुई है कि औरतों का फातिहा देना सही नहीं है, यह सब जहालत की बातें हैं। जहालत के सिवा कुछ नहीं है। आप अच्छे से समझ लें कि यदि हमारी दीनी बहनें इतना इल्म रखती हैं कि कुरान की आयतों को मखरज के साथ अच्छे से पढ़ सकती हैं, तो उनके फातिहा देने में कोई हर्ज नहीं है। वह भी फातिहा दे सकती हैं और बुजुर्गान दीन की बारगाह में उसका सवाब पेश कर सकती हैं। साल भर में जितने त्यौहार आते हैं सबकी फातिहा दे सकती हैं। 11वीं शरीफ की भी फातिहा दे सकती हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। उम्मीद है प्यारे दोस्तों, आपको यह मसला समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।